दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में पल पल की अपडेट हम आपके सामने प्रोवाइड कर रहे हैं। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट्स मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, अगर आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो प्लीज आप संपर्क माध्यम में आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दोनों पर भी कहीं पर आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। समय रहते हुए आपके सभी कॉमेंटों का रिप्लाई दिया जाता है। तो प्लीज अगर आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप उन दोनों आईडियों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हमने डीएलएड के संदर्भ में अगर देखा जाए तो पर डे एक वीडियो आपके समक्ष प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो प्लीज आप वीडियो को मत देखिए। बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी मुझे जरूरत है और उनकी मुझे भी जरूरत है, वो लगातार वीडियो की मांग करते हैं, उनके कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, तो उनके लिए यह प्रॉपर मेरा वीडियो जाता है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, सबसे ऊपर लिखा जा रहा है, देखिए आवेदन की तिथि को लेकर पीएनपी सचिव का बयान। बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस डीएलएड के संदर्भ में जो आवेदन की तिथि है आपकी पहले ही समाप्त हो चुकी है, प्रथम चरण की काउंसलिंग भी समाप्त हो चुकी है। आप सभी को इंतजार है दूसरे चरण की काउंसलिंग का। तो लगातार आप कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि भैया दूसरे चरण की काउंसलिंग कब से प्रारंभ होगी, तो उसके नीचे आप देख पा रहे हैं, अभी पहले वाले मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। आप आवेदन की तिथि के बारे में जानना चाह रहे हैं कि भैया तिथि क्या अभी भी बढ़ सकती है कि नहीं, ठीक है। आगे देख पा रहे हैं दूसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर एक संभावित तिथि जारी, बिल्कुल हमने इसके बारे में आपसे पहले भी चर्चा किया है। और नीचे यहाँ देख पा रहे हैं एक सबसे अहम मुद्दा बनता हुआ जा रहा है कि फीस को लेकर कॉलेज वाले किस प्रकार से लुभा रहे हैं। अगर देखा जाए तो आपकी जो इस वर्ष की फीस है, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की दोनों की फीसें आपकी अलग होती हैं। अगर हम वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो टोटल फीस इनकी 41,000 रुपए होती है, और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो इनकी फीस जो होती है ये 10,200 रुपए फीस होती है। लेकिन इस फीस को लेकर कहीं ना कहीं आप सभी को असमंजस की स्थिति है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको तरह तरह के कॉलेज वाले लुभावना दे रहे हैं कि भैया आप मेरे कॉलेज में आ जाइए। यहां देखिए लुभा रहे हैं 20,000 में, कोई कह रहा है, कोई 30,000 में कह रहा है पर ईयर का, ठीक है। मींस एक साल का कहीं आपको 20,000 की बात कही जा रही है, या कहीं आपको 30,000 की, कहीं 40,000, ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं। तो ठीक है, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या यह वाकई में 20,000-30,000 में एडमिशन हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अच्छा, नीचे आप देख पा रहे हैं वही चीजों को यहां लिखा है, कॉलेज वाले किस प्रकार से आपसे फ्रॉड कर सकते हैं। बिल्कुल अगर देखा जाए तो इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे, तो अगर कॉलेज वाले यह वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मुझे गालियां भी देंगे, ठीक है। खैर वह मुझे बर्दाश्त है, लेकिन आप आगे चलकर किसी कॉलेज के द्वारा प्रताड़ित ना किए जाएं, यह मुझे बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। अगर आप एक देखा जाए तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आपकी अनवरत क्लासें भी इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आप डेमो के तौर पर देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाइए। कुछ अगर देखा जाए तो हमने 2021 सत्र के साथ अपने सफर की शुरुआत की थी, उसके दौरान कुछ बीच में बाधाएं उत्पन्न हुई जिससे क्लासें आपकी स्थगित करनी पड़ी। तो अब की बार आपकी टोटल क्लासें शुरू से ही, यानी ऐसा मत समझिएगा कि जो हमने वीडियो आपके समक्ष अपलोड कर दिया है वह वैसे रहेगा, और नई नई क्लासें आपके समक्ष प्रथम सेमेस्टर के दौरान आपकी प्रोवाइड की जाएंगी। पूरे चैलेंज के साथ, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा ऐसे ऐसे सिलेबस को, अभी आप इस सिलेबस के बारे में परिचित नहीं हैं, तो बिल्कुल एक वीडियो हमारा प्रॉपर इसके सिलेबस पर आपसे चर्चा किया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इतने आसान से शब्द में सिखाऊंगा इस सेमेस्टर के दौरान कि पूरा चैलेंज है कि आप एक एक सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से सीखेंगे, ठीक है। आप देखना चाहते हैं तो डेमो के तौर पर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। खैर देखिए, बिल्कुल इस मुद्दे पर कॉलेज वाले किस प्रकार से आपसे फ्रॉड कर सकते हैं, यह एक अहम मुद्दा है। लगातार
लगातार आप कॉल के माध्यम से पूछ रहे हैं, भैया इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी आपको मिल पा रहा है आप उसी माध्यम से पूछ रहे हैं कि हमारे कॉलेज में इतनी फीस ले रहे हैं तो हमें बाद में चल कर किस प्रकार से प्रताड़ित कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे यहाँ आपके सबसे अहम मुद्दे लिखे गए हैं, भैया कोई भी कोर्स करने का एक अपना मकसद होता है, आपका डीलर करने का उद्देश्य क्या है, प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे होती है, क्या विज्ञान व कला वर्ग के लिए एक ही है, और प्रथम सेमेस्टर के लिए बेस्ट बुक क्या होती है, और इसकी परीक्षा जो आपकी प्रथम सेमेस्टर की है वह कब तक हो सकती है, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए परीक्षा, परीक्षा आपकी प्रथम सेमेस्टर की कब तक होगी। तो इन सभी मुद्दों पर मैं आपसे बात करूंगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, एक निवेदन और मैं करूंगा, आप किसी भी चैनल पर विजिट करने से पहले आप उस चैनल के बारे में भली भांति समझ लीजिए कि यहाँ जानकारी हमें किस प्रकार से मिल रही है, ठीक है। आप उसी चैनल पर विजिट करें जहाँ पर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर हमें जो है एक बेहतरीन अपडेट मिल पा रही है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि किसी चीज़ के लिए दूसरे चैनल पर और किसी चीज़ के लिए दूसरे चैनल पर। इस चैनल पर हमने आपसे अभी कहा कि आपकी टोटल जितने भी प्रथम सेमेस्टर के दौरान क्लासें हैं सभी को मैं प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आवेदन की तिथि को लेकर। तो देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप अभी भी आवेदन की तिथि के संशोधन में यह अपनी उम्मीद को बरकरार रखे हैं तो बिल्कुल आपकी उम्मीद अब कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई चली जा रही है। मेरे कहने का सेंस आप समझिएगा, मींस अगर कहा जाए तो अभी भी अगर आपने उम्मीद रखा है कि और आवेदन की तिथि आगे बढ़ सकती है तो बिल्कुल अब आपकी आवेदन की तिथि 0% चांसेस है, मींस नहीं बढ़ सकती है। क्योंकि जब पीएनपी जाया गया तो वहां पर इनके द्वारा सीधे एक ही बात कही गई कि भैया अब अगर डेट पढ़ाई जाएगी तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने इस बात को भी वहां पर जिक्र किया कि सर अगर अभी भी आवेदन की तिथि आप बढ़ाते हैं तो 50-60 हज़ार बच्चे आपको मिल सकते हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, लेकिन हर किसी की कुछ मजबूरियां होती हैं, सारी चीजों को इन्होंने बयां नहीं कर पाया, इस वजह से आवेदन की तिथि बढ़ने के अब बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपने बिना आवेदन के एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको समस्या वहां नहीं होगी। बट वही फीस वाली बात होती है, आप कहीं भी किसी कॉलेज में जाइएगा तो आप बिल्कुल फीस के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिएगा और उस माइनॉरिटी कॉलेज के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से समझिएगा कि ये कैसे क्या करते हैं। आप स्टाफ से ना पूछकर बच्चे से जब आप पूछेंगे तो एकदम प्रमाणित अपडेट वहां से मिल पाएगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम एक एक कॉलेज के बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड करें, भैया आप पूछ लीजिए इस कॉलेज में कैसे क्या होता है, तो हम इसके बारे में आपसे नहीं बता सकते हैं। आप माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे हम पता करें माइनॉरिटी कॉलेज हैं, तो बिल्कुल वीडियो हमने उस पर बताया है, वीडियो में बनाया वीडियो भी उसके संदर्भ में आपके समक्ष प्रोवाइड किया है, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ हमने आपको बताया है कि यहाँ से माइनॉरिटी कॉलेज आप चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए जो दूसरे चरण की काउंसलिंग की बात आपसे कही जा रही है, दूसरे चरण की काउंसलिंग हमने आपको एक डेट निर्धारित किया है 5 तारीख, ठीक है। 5 तारीख से पहले पहले आपके यहाँ दूसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि वो जारी कर दी जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार भैया 5 तारीख से पहले अगर ये दूसरे चरण की काउंसलिंग हो रही है तो हमारा डायरेक्ट एडमिशन कब होगा। देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा जहां तक डायरेक्ट एडमिशन का सवाल है तो डायरेक्ट एडमिशन जब पूरी राउंड की काउंसलिंग आपकी समाप्त हो जाती है उसके सबसे लास्ट बाद जो है आपकी डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। ऐसा मत समझिएगा कि दूसरे चरण की काउंसलिंग में भी डायरेक्ट एडमिशन चालू करवा दीजिएगा, नहीं। डायरेक्ट एडमिशन करवाने का एक ही मकसद होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स बचे हैं सभी को समेटते हुए जितने लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं सभी का एडमिशन इस डायरेक्ट एडमिशन के तहत हो जाए, इस वजह से डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया कराई जाती है। दूसरे चरण की काउंसलिंग जहां तक संभावनाएं हैं वह 5 तारीख से पहले मींस 5 सितंबर से पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट करा दी जाएगी, ठीक। अब बार बार यह मत पूछिएगा दूसरे चरण की काउंसलिंग, अच्छा कुछ लोग काउंसलिंग के बारे में नहीं समझ रहे थे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जैसे आपने प्रथम चरण की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया सेम वही प्रक्रिया आपकी दूसरे चरण में भी आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। चलिए, अब एक अहम मुद्दा हमारा आता है, कॉलेज वाले फीस को लेकर कॉलेज वाले किस प्रकार से लुभा रहे हैं। देखिए, जहां तक हमने फीस के बारे में आपसे चर्चा की है, आपकी जो फीस होती है गवर्नमेंट की होती है वो 10,200 और प्राइवेट की होती है 41,000 रुपए। अब आपसे किस प्रकार से वो 20,000 की मांग कर रहे हैं और 30,000 की मांग कर रहे हैं,
फिलहाल के लिए अगर कोई कॉलेज वाला आपसे कह रहा है कि भैया आप 20,000 दे दीजिए, हम आपका एक साल का एडमिशन कर देंगे, तो बिल्कुल इस वक्त अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आपका तो एडमिशन हो जाएगा। देखिए एकदम मैं फैक्ट बात आपसे करता हूँ ना, आपको इधर घुमाने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास बहुत ऐसे कॉल्स आए कि भैया आप मुझे एडमिशन दे दीजिए, हम आपको पर एडमिशन पर इतना रुपया भी देंगे, ठीक है। लेकिन हमने कभी भी आपको कोई भी वीडियो में यह अनाउंसमेंट नहीं किया कि आप मेरे माध्यम से एडमिशन करवा लीजिए। अगर चाहे होते तो कर सकते थे, लेकिन मुझे आपसे प्रेम है, ठीक है। मुझे ऐसा मत समझिएगा कि मैं आपसे किसी भी चीज़ को मैं एकदम फैक्ट बताने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए भैया यहाँ करवा दीजिए, वैसा कर दीजिए, ऐसा करवा दीजिए, लेकिन हमने कहा भैया यह हमारे बस की बात नहीं है, हम किसी भी बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्वेच्छा से आप जहाँ भी जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, बट मैं आपको यहां प्रेशर नहीं दूंगा कि आप इस कॉलेज इस जिले के हैं तो आप इस जिले में चले, इस कॉलेज में चले जाइए, कदापि यह काम मेरा नहीं है। फिलहाल के लिए हमने कहा आपसे 20,000-30,000 का। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहूंगा इस वर्ष अगर हम एडमिशन की प्रक्रिया की आपसे बात करें तो बिल्कुल किसी किसी कॉलेज वाले 20,000 में भी कर रहे हैं, 30,000 में भी कर रहे हैं, 35,000, 40,000, 41,000 तो फीसें हैं, ठीक है, 35,000 तक भी लोग एडमिशन कर रहे हैं। तो क्या इसमें आपसे वो किस प्रकार से फ्रॉड कर सकते हैं? बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा, पहली चीज़ यह जानिएगा कि अगर कोई भी कॉलेज वाला आपसे कह रहा है कि भैया हम आपका एडमिशन 20,000 में कर देंगे, तो बिल्कुल इस समय तो वो कर देंगे, ठीक है, लेकिन जहाँ तक उनकी फीसिया जो 41,000 रुपये है वह आपसे वह पीछा नहीं छोड़ेगी। 41,000 रुपये तो हर हाल में आपको जमा करना ही करना है। कुछ कॉलेज वाले होते हैं, अच्छा कुछ कॉलेज वाले होंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लेके रख लेंगे, यही आपको समस्या होती है, ठीक है। तो एक चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी एडमिशन लेने से पहले यह जरूर पता कर लीजिएगा कि इनका बैकग्राउंड क्या है। हर हाल में आपको 41,000 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा, भले ही आपने 20,000 का पेमेंट करके एडमिशन करवा दिया, ठीक है। कुछ कॉलेज वाले होंगे आपको 2-3 बार में फीस जमा करने के लिए कहेंगे, लेकिन कुछ कॉलेज वाले होंगे जो थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वो एक के बारे में आपको प्रेशराइज करेंगे कि भैया आप पूरी फीस हमें लाकर जमा करिए। तो यही आपके लिए समस्या होती है अगर आपका आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है तो। बिल्कुल कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे इस समय डीएलएड छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं पैसे के अभाव में। जब परीक्षाएं आपकी प्रथम सेमेस्टर की चालू होंगी ना, तो उस वक्त तो आपको हर हाल में फीस ये जमा ही करवा लेंगे, यह प्रबल सत्य है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप कहीं भी अगर 20,000 में एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आप 20,000 में ले रहे हैं तो गलत है, सही है, ऐसा नहीं, लेकिन आपको 41,000 का पेमेंट करना ही करना है किसी भी सूरत में, ठीक है। तो आप इस चीज को भली भांत समझ लीजिएगा, जहां भी एडमिशन ले रहे हैं उसके पहले सारी चीजों को जांच परख लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि भैया वो हमें लिखित दे रहे हैं कि हम इससे ज्यादा नहीं लेंगे। भैया हम किसी चीज को नहीं मानते हैं, जब वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवा लेंगे तो वहीं से आप बिल्कुल बाध्य हो जाएंगे, आपको हर हाल में 41,000 रुपए का पेमेंट करना होगा। डीएलएड के दौरान आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा कराए जाते हैं, यह चीज का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। हमने कहा आपसे कॉलेज वाले किस प्रकार से फ्रॉड कर सकते हैं, बिल्कुल फीस कहीं ना कहीं वो आपसे लेकर ही छोड़ेंगे, बाकी चीजें आप जब एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करिएगा तो वहां से आप समझिएगा, ठीक है। चलिए अब एक अहम मुद्दा आता है, आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए डीएलएड करने का। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आपका उद्देश्य सबसे पहला उद्देश्य होता है, अगर आप किसी डिग्री को लेने जा रहे हैं या किसी को छोड़िए मैं डीएलएड की बात करूं, ठीक, अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य है कि मैं भविष्य में शिक्षक बनूंगा, ठीक है, मैं भविष्य में शिक्षक बनूंगा। लेकिन अब कुछ लोग होते हैं इस डीएलएड के दौरान इतनी मस्ती में बिता देते हैं, अच्छा कुछ लोगों की जो प्रबल इच्छाएं होती हैं कि होता नहीं है कि लोग शादी विवाह के लिए डीएलएड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर शादी विवाह ओनली मैरिज सर्टिफिकेट के लिए डीएलएड कर रहे हैं तब तो आप मस्ती में बिता सकते हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य है, अगर आपका सपना है कि मैं भविष्य में अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखूंगा, तो बिल्कुल आप सेमेस्टर के दौरान उसी उद्देश्य को मानकर चलिएगा, ठीक है। अच्छा अगर आप इस सेमेस्टर को एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं तो जो लोग इलाहाबाद बनारस दिल्ली जाकर तैयारी करते हैं ना, कहीं जाने की जरूरत उन्हें नहीं पड़ेगी। हाँ अगर आप ओनली वन सिर्फ विवाह के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पास होने को तो लोग पास ही हो जाते हैं, बट एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी 2013 सत्र के प्रशिक्षु जो हैं अभी इस 2022 में भी नहीं पास कर पाए हैं इस डीएलएड को, ठीक है। इतनी चीजें आप अपने जेहन में
में बिल्कुल रख लीजिएगा। इसलिए मैं बिल्कुल आपसे कहूँगा कि अगर आपका उद्देश्य है डीएलएड करना और उद्देश्य के बाद और आपका एक उद्देश्य होना चाहिए भविष्य में शिक्षक बनना, तो बिल्कुल आप एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिएगा। चलिए प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे होती है, क्या विज्ञान और कला वर्ग वालों के लिए एक ही होती है? तो देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, चाहे आप विज्ञान वर्ग के हैं चाहे आप कला वर्ग के हैं, सबकी पढ़ाई एक ही होती है। विज्ञान वर्ग वालों के लिए भी एक ही बुक होती है और कला वर्ग वालों के लिए एक ही बुक होती है, कोई यहाँ भिन्न नहीं होता है, सभी एक समान होते हैं, चाहे आप कला के हैं चाहे आप जो है विज्ञान के हैं। प्रथम सेमेस्टर की पढ़ाई बिल्कुल आपके आपके कॉलेज में किस प्रकार से पढ़ाई होती है वह तो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं दावे के साथ अपने चैनल पर मैं यह जरूर आपसे कहूँगा कि यहाँ पर एक ऑथेंटिक क्लासें आपको दी जाएंगी, एक बेहतरीन क्लास आपको दी जाएगी जहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट को यहाँ से पढ़ सकते हैं। अच्छा, हमने कहा आपसे पढ़ाई कैसे होती है, देखिए इसके पढ़ाई आपका यह प्रशिक्षण है फिलहाल के लिए, कहीं कहीं होता है कि वहाँ टीचर ही नहीं होते हैं बट बच्चे जाते हैं तो वहाँ कोई काम नहीं होता है, तो फिलहाल के लिए वह बात की बात है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। पढ़ाई अगर आप एक अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आपको टेट सुपर टेट के लिए कहीं बाहर प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डीएलएड में अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्रथम सेमेस्टर के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, देखिए मैं साफ तौर पर आपसे कहना चाहूँगा, कभी कभी होता है जब आप अपने विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाशक आते हैं अपने बुकों का प्रचार करने के लिए, ठीक है, तो हमारे पास ना कोई प्रकाशक आया है ना कोई प्रचार हमें करना है, आपसे साफ तौर पर इस बात ये करना है भैया कि अगर आप प्रथम सेमेस्टर में किसी भी बुक को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे होता ना तमाम प्रकाशक होते हैं, ठाकुर पब्लिकेशन हो गया, ये साहित्य हो गया, राणा बलवंत हो गया, इस तरह की तमाम बुकें होती हैं इस डीएलएड के दौरान, तो मैं सभी बुक को प्रेफर करता हूं। आप किसी भी बुक को चूज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पढ़ना किस प्रकार से है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे डीएलएड आपके लिए नया है तो इसलिए कहीं ना कहीं किसी शिक्षक की जरूरत आपको जरूर पड़ती है, तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूंगा आप किसी भी बुक को अगर चूज करते हैं तो आपके लिए बेहतर है। वैसे अगर देखा जाए तो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है साहित्य और ठाकुर की पब्लिकेशन सबसे बेस्ट होती है, बाकी आपके स्वविवेक पर निर्भर है कि आप कौन सी बुक लेते हैं। मैं किसी को प्रेशराइज आपको नहीं करूंगा कि नहीं आप इस प्रकाशन की बुक ले ही लीजिएगा, ठीक है, तो बुक आप कोई भी लीजिएगा लेकिन आप उसे किस प्रकार से पढ़ते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं परीक्षा को लेकर, आप लगातार ये पूछ रहे थे कि भैया इसकी परीक्षा प्रथम सेमेस्टर की होगी, देखिए आपका 14 सितंबर से क्लास चलेगा, ठीक है, 14 सितंबर से आपका क्लास चलना शुरू हो जाएगा प्रथम सेमेस्टर का। 14 सितंबर के बाद आप 6 महीना जोड़ लीजिए, वैसे हमें लगता है कि मार्च में आपका 6 महीना पूरा हो जाएगा, ठीक है, 14 मार्च को आपका 6 महीना पूरा हो जाएगा। मार्च के बाद कभी भी पीएनपी का ये रिकॉर्ड रहा है कि ये परीक्षा अपने नियत समय पर नहीं करवा पाए हैं, ये कहीं आपका ले जाकर अप्रैल में करवाएंगे, कहीं मई में करवा सकते हैं, तो इसलिए मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि आप डीएलएड के दौरान बिल्कुल आपके जो भी परीक्षाएं होती हैं वो 2 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 क्वेश्चन 2 नंबर से ज़्यादा बिल्कुल 60 क्वेश्चन होता है, और जो भी आपको यहाँ लिखना होता है बिल्कुल एक प्रमाणित लिखना होता है, आप बरगला नहीं सकते हैं, ठीक है, भले से ही आप 2 नंबर के क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि हम इधर की बातें उधर ऐसे वैसे लिख सकते हैं, नहीं, बिल्कुल आपको इसमें फैक्ट लिखना होता है, इसी वजह से डीएलएड में समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। तो फिलहाल के लिए बिल्कुल मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा, आप अगर पढ़ाई डीएलएड की अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो पास होने के लिए तो सभी पास हो जाते हैं, और अगर आपका उद्देश्य है कि हम सिर्फ शादी विवाह के लिए कर रहे हैं, कुछ लोगों का होता नहीं है तो वो जिसे ग्रेजुएशन करके आपने छोड़ दिया, और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आपका शादी विवाह नहीं हो रहा है तो भैया कुछ लोग बीएड कर लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं, तो अगर आप उस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाकी अगर आपकी इच्छाएं हैं कि हम भविष्य में कुछ करेंगे तो बिल्कुल आप एकदम अभी से जी जान लगा दीजिए, आने वाला जो समय होगा आपके लिए एक बेहतर होगा। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।